दोस्तों, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और जम करके एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे भाई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बताऊंगा और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा भाई। ठीक हो गया? देखो भाई, तो सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिख लेते हैं। समाया, देखो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताया था। समाया ट्रिक क्या थे? सस ती वी कर मे समाया फिकोनी फी कोनी क्यू जाना। ठीक हो गया भाई? ये 3D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का एक ट्रिक मैंने आपको बताया था। ठीक हो गया? उसके बाद 4D के लिए क्या बताया था? 4D के लिए बताया था यारी जरा निभाना। क्या बोला था? यारी जरा निभाना। ठीक हो गया भाई? यारी जरा निभाना मौत तक, मौत तक। रुकावट क्या बोला था? रुकावट राह में पड़े अगर कोई, रुकावट राह में पड़े। पड़े का मतलब क्या होता है? पीडी पैलेडियम। समाया पड़े अगर कोई, कोई का मतलब सीडी। ठीक हो गया भाई? और अगली जो 5D ट्रांजिशन सीरीज है उसकी ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी वो बताई थी ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना, वरना रा जो है रेनियम। समाया उस आयरन रॉड, आयरन रॉड से पिटेगा, यानी कि पीटी, और एयू हॉस्पिटल मतलब एचजी हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। ठीक हो गया? ला हफ्ता वरना उस आयरन रोड से पिटेगा और हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। ठीक हो गया? तो ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट थे। इनको बोलते हैं 3D ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको बोलते हैं 4D ट्रांजिशन एलिमेंट और इनको बोलते हैं 5D ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक हो गया भाई? देखो भाई, मैं आपको एक बहुत और इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल चीज बताने वाला हूं भाई, रिमार्क करके नोट कर लेना। समझाया भाई? देखो निकिल, पीडी और पीटी ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। समझाया? याद रखना इनको कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है, कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है। समझाया? किस चीज के कैटलिसिस के लिए यूज किया जाता है? कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजिनेशन। किसके लिए? हाइड्रोजिनेशन। समझाया भाई? अरे बताओ भाई कैसे हाइड्रोजिनेशन के लिए यूज किया जाता है? एक रिएक्शन मैं आपको लिखा देता हूं। समाया जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। समाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मोस्टली करते हैं NiH2। ठीक हो गया भाई? तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, क्या हुआ? देखो भाई H और H ये है। ठीक हो गया? ये वाला बॉन्ड, तो जब H इस कार्बन से जुड़ेगा और ये वाला H इस कार्बन से जुड़ेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इनका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक हो गया? तो क्या बचेगा? बचेगा भाई CH2। अब बचेगा सिंगल बॉन्ड CH2, और याद रखना जो बॉन्ड बन रहा था वो पक्का बॉन्ड बन जाएगा। समाया? तो जो हमारे एल्कीन थी, एल्कीन वो किस में कन्वर्ट हो गया है? एल्केन में कन्वर्ट हो गया है, एल्केन में कन्वर्ट हो गया है। समाया? देखो भाई हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। ठीक हो गया भाई? इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। अब देखो बहुत बार आप हाइड्रोजिनेशन के लिए पीडी H2 भी यूज करते हो और पीटी H2 भी यूज करते हो। समझाया भाई? अब कहाँ यूज करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा भाई, पढ़ाऊंगा जरूर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा भाई। अब देखो भाई अगली इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगली इंटरेस्टिंग बात क्या है? जो हमारे पास CuAg और Au थी। समझाया भाई? CuAg और Au जो है उनको बोलते हैं कॉइन मेटल। क्या बोलते हैं भाई? कॉइन मेटल। अरे कॉइन मेटल क्या हुए? सिक्का धातु, सिक्का धातु। क्या बोलते हैं? सिक्का धातु, सिक्का धातु। मींस पुराने जमाने में लोग CuAg और गोल्ड जो यूज करते थे उनका यूज करते थे सिक्के बनाने में। ठीक हो गया भाई? देखो भाई ये जो लास्ट वाला बचा जिंक कैडमियम और HG, समझाया भाई? इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, PSEUDO, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। समझाया भाई? अब क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा भाई, बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा क्यों इनको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ठीक हो गया भाई? तो देखो भाई निकिल, पीडी और पीटी ये जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली यूज होते हैं फॉर द हाइड्रोजिनेशन। समझाया भाई? CuAg और Au इनको बोलते हैं कॉइन मेटल,
और जिंक सीडी मतलब कैडमियम और एची जो होते हैं उनको बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, याद रखना याद रखना। 1991 अरे 91 में भाई, 91 में याद रखना, एक क्वेश्चन आया था कि सिनाबार किसका ओर है। सिनाबार क्या? सिनाबार CINNABAR नीट में आया था भाई 1991 में, याद रखना। सिनाबार जो है वो एचजी का ओर है। अब ओर क्या होते हैं देखो भाई, ओर क्या होते हैं, ओर जो हम बेसिकली बोलते हैं ओर से हम मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ आया भाई? तो ओर क्या होते हैं, ओर वो चीज होते हैं जिनसे हम मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो देखो भाई ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, देखो भाई अब एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं भाई, ठीक हो गया। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, ठीक हो गया। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है, मैंने एक संक्रमण बीमारियों के तौर पे आपको ये बताया था, ठीक हो गया। अब एक दूसरे वे में भी बता दूंगा, ठीक हो गया भाई। देखो भाई जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं समाया, वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जिनका जिनका डी सबसेल क्या होता है, पार्शियली फिल्ड होता है। क्या होता है? पार्शियली फिल्ड होता है। पार्शियली क्या होता है? फील्ड होता है, ठीक हो गया। याद रखना जब एटम अपने एलिमेंट्री या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ठीक हो गया। देखो भाई तो ट्रांजिशन एलिमेंट को समझ लो, क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के उन एलिमेंट्स को बोला जाता है जो अपनी एलिमेंट्री और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो उनका डी सबसेल है वो क्या है, पार्शियली फील्ड है। समाया एक बार दोबारा देख लो, मेरे पास एक एटम है समाया भाई, वो अपने एलिमेंट्री और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने डी सबसेल में पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है, समाया भाई, ठीक हो गया। तो उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मैं बोलूंगा ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक हो गया भाई। एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं समाया भाई, ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। समाया भाई आपकी लैंग्वेज में मैं इसे लिखवा देता हूं, देखो भाई ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं समाया। स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, ठीक हो गया भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोस विच हैव पार्शियली फील्ड एन माइनस वन डी सबशेल, ठीक हो गया, इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट, एलिमेंट्री स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक हो गया भाई। बहुत प्यार से मैंने आपको बता दिया, बहुत स्ट्रिक्टली बोला भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जिसमें एन माइनस वन डी सबसेल जो होता है वो क्या होता है, पार्शियली फील्ड होता है भाई। समाया वो एटम चाहे अपनी एलिमेंट्री स्टेट है या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देखो भाई देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास आयरन है Fe, Z बराबर कितना होता है 26, समाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, उसके बाद क्या आता है 3D और 4S, समाया भाई, और S में कितना होता है दो,
और डी में कितना होता है 6। देखो भाई यहाँ पे जो आयरन है वो अपने एलिमेंट्री स्टेट में है, समाया एटम स्टेट में है, एलिमेंट्री स्टेट में है, समाया भाई एलिमेंट्री स्टेट में। इसके पास जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है। पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या हुआ, एक से लेकर के 9 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, इसको पार्शियली फिल्ड बोलते हैं। समय भाई पार्शियली फील्ड का मतलब एक से 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे जो डी सबशेल है वो पार्शियली फील्ड है, इट मीन्स जो आयरन है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक हो गया। देखो एफी जो है, एफी दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्जिस्ट करता है, एक +2 और एक +3, ये इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। समाया इट मीन्स +2 का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कि आर्गन 18 और 3d6, 4s में कितना हो गया 0, ठीक हो गया। और Fe+3 में आर्गन 18, समाया 3d और 4s, s से 2 चले गए तो 0 बचा और d से 1 जाएगा तो कितना बचा 5। यहां पे भी याद रखना पार्शियली फील्ड है, समाया, और यहां पे भी क्या है, पार्शियली फील्ड है। तो यानी कि डेफिनेशन समझो भाई, यहां से डेफिनेशन समझो, उसने बोला जो Fe है, समाया, चाहे वो अपने एलिमेंट्री स्टेट में हो या चाहे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, भाई समाया कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, अगर वो पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन रखता है समाया, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, समाया भाई ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। अब देखो भाई, अब देखो अगर आपके पास जिंक है, ZN, उसके बाद कैडमियम है और क्या है, Hg है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं तो याद रखना इसको बोलते हैं 3d और 4s, इसको बोलते हैं 4d और 5s, और इसको बोलते हैं 5d और 6s, ठीक हो गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, ये इसकी एलिमेंट्री स्टेट हो गई। समाया इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2, समाया, तो यानी कि +2 के बाद ये 3d10 बच जाएगा, ये 4d10 बच जाएगा और ये 5d10 बच जाएगा। समझा भाई, तो याद रखना ये जो जिंक है, कैडमियम है और Hg है भाई, चाहे वो एलिमेंट्री स्टेट में है या अपने किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, समझा, याद रखना उनका जो डी सबशेल है, डी सबशेल है समझा, वो डी सबशेल जो है वो क्या है, फुल फील्ड है, फुल फील्ड है, समय भाई फुल फील्ड है। इट मींस जिंक CD और HG इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाता, समय भाई। तो क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इनका N-1 डी सबसेल इनके एलिमेंट्री और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में फुल फील्ड है भाई, समय, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता। समय पढ़ा डी ब्लॉक में जाता है लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता है, याद रखना, याद रखना, रिमार्क करके लिख लो, रिमार्क करके लिख लो भाई, रिमार्क करके लिख लो, लिख देता हूं भाई तुम्हारे लिए, रिमार्क करके लिख लो। समाया क्या लिखना है, जिंक कैडमियम एंड Hg, समाया डू नॉट कंसीडर्ड एस, डू नॉट कंसीडर एस ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, समाया भाई ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक हो गया भाई। देखो भाई एक और बात बता दूं, याद रखना चाहे Hg की बात करूं, चाहे कैडमियम की बात करूं और चाहे जिंक की बात करूं भाई, समाया ये मोस्टली जो डी ब्लॉक एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक्स है उनको फॉलो नहीं करती है। समाया दो करेक्टरिस्टिक्स मैं बता देता हूं जिनको फॉलो नहीं करती है, याद रखना ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाती। जैसे आयरन था तो वो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो याद रखना जिंक एक ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है +2, कैडमियम एक ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है +2, Hg एक ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है +2, समाया। तो याद रखना Hg, CD और जिंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं, पहली प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट की शो नहीं की, समाया भाई। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, इनका जो डी सबशेल है, इनका जो डी सबशेल है याद रखना वो क्या होता है, फुल फील्ड होता है, तो वो तेजी से रिएक्टिव नहीं होता है, तेजी से रिएक्टिव नहीं होता है, इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत कम होती है, लो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, यानी कि लो रिएक्टिविटी भी बोल सकता हूँ, लो रिएक्टिविटी, समय भाई याद रखना। बस ये डी ब्लॉक एलिमेंट की तरह थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं भाई, समाया
थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इसलिए मैं इन्हें डी ब्लॉक में पढ़ तो लेता हूँ, लेकिन इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाता। इनको बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका मतलब वो डी ब्लॉक में लिखे तो जा रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। समाया, घर में होते हुए भी उसे अनदेखा किया जा रहा है। ठीक हो गया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, देखो भाई, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। समय है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत वर्सेटाइल है भाई, बहुत वैरायटीज मिलेंगी, याद रखना। इंडस्ट्रियल तौर पे याद रखना, चाहे तुम सोना देख लो, चाहे तुम चांदी देख लो, चाहे तुम प्लेटिनियम देख लो, बहुत सारी चीजें खाना बनाने में जो मोस्टली जो बर्तन होते हैं लोहे तांबे टिन वगैरह के, याद रखना, इतना कॉमर्शियल यूज है इसका। इसलिए मैं डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहा हूँ भाई। समाया, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो वर्सेटाइल है, बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक हो गया, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। समय, पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्सेप्ट एच जी को छोड़ करके। समाया, एच जी किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। समाया, एक्सेप्ट एच जी जो किस में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक हो गया, हैव मेटलिक स्ट्रक्चर। ठीक हो गया भाई, याद रखना, केवल Hg को छोड़कर के सारे मेटालिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। इट मींस वो कंडक्टिविटी शो करेंगे, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करेंगे, वो क्या करेंगे, डक्टिलिटी शो करेंगे, उनके पास एक मेटालिक लश्चर होगा। ठीक हो गया भाई, देखो भाई, अब बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की। समाया, याद रखना, दे हैव हाई। समाया, देखो भाई, क्या क्या चीज बहुत हाई होती है। देखो, सबसे पहले बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। समाया, अगली बात आती है मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। समाया, अगला है हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। समाया भाई, हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इसके बाद आता है हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, और क्या आता है, हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इट्स आयन। समझ आया भाई, जो इनके आयन्स होते हैं ना, वो पानी में क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स जैसा फॉर्म करते हैं और हाई एनर्जी लिबरेट करते हैं। इट मींस जो इनकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है, इनके आयंस की, वो क्या होती है, बहुत हाई होती है भाई। समाया, तो देखो भाई, क्या पढ़ा भाई, देखो, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा है, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है। समाया, याद रखना, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है। ठीक हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है भाई। इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है, याद रखना, अगर ये मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट है तो ये क्या करता है, एम प्लस बना देगा, मेटल प्लस बना देगा, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ये जो करेक्टरिस्टिक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक हो गया भाई, याद रखना, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। पहले बताया था आपको, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक हो गया भाई, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, जैसे मैंने कहा था Fe, ये किस में रहता है, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक हो गया भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स भाई, जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रिमार्क करके लिख लो। याद रखना भाई, ये हाइड्रोजन
कार्बन, बोरॉन और नाइट्रोजन के साथ इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटर स्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। देखो भाई, अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, इसके लिए एक प्यारा सा फिगर मैंने बगल में चिपका रखा है। देखो भाई, अगर मेरे पास ये लैटिस हुए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट समझो। समाया, लेट अस कंसीडर TIC है ये। समाया भाई, तो ये क्या है? टाइटेनियम, ये टाइटेनियम, 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 एक पूरा लैटिस है टाइटेनियम का। समाया भाई, और इसके बीच में कुछ वॉइड है, खाली जगह है। समाया, इन खाली जगह पे याद रखना कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बोरोन जाकर के ऐड हो सकता है। समाया भाई, तो इस तरह के ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। समाया, और इन कॉम्प्लेक्स को बोलता है इंटरस्टीशियल कंपाउंड। तो क्या बोला था, क्या बोला था? जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके लैटिस में कुछ वॉइड होते हैं। समय, उनके लैटिस में क्या होता है? कुछ वॉइड होता है। और इन वॉइड्स में, जैसे यहाँ पे इन वॉइड्स में क्या कर जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, बोरॉन और नाइट्रोजन जाकर के क्या हो जाता है? ऐड हो जाते हैं। समाया, तो जाकर के इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए TIC और MN4N। समाया, तो एक और बेहतरीन प्रॉपर्टी इसकी, एक बेहतरीन प्रॉपर्टी, ये एलॉय फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? एलॉय फॉर्म करते हैं। समाया भाई, कैसे एलॉय फॉर्म करते हैं? देखो, एक एलॉय का नाम बताता हूँ, ब्रॉन्ज सुना होगा आपने। अरे ब्रॉन्ज मेडल मिलता भी है भाई, ब्रॉन्ज मेडल मिलता भी है ओलंपिक में, ब्रॉन्ज मेडल, BRONZE। समय, ब्रॉन्ज मेडल। तो जो ब्रॉन्ज होता है वो क्या बनता है? टिन, और किससे मिलकर के बना हुआ होता है? टिन और कॉपर से। समय भाई, तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, एक बार मैंने नीट में देखा था क्वेश्चन, ब्रॉन्ज में कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट मिले होते हैं? तो टिन और कॉपर मिले होते हैं भाई। समय, अरे भाई ये एलॉय बनाते तो हैं पर क्यों बनाते हैं? वैसे मैं पढ़ाऊंगा इन्हें आगे, लेकिन यहाँ पे बता तो देता हूँ कि क्यों बनाते हैं एलॉय, क्यों बनाते हैं एलॉय। एलॉय बनाते हैं इसलिए, इसलिए क्योंकि याद रखना लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण सारे डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो साइज में एक जैसे हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज में सिमिलर हो जाते हैं, सिमिलर। ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या बला है ये मैं बाद में बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भाई ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की, बहुत इंटरेस्टिंग। बट याद रखना, इस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, इस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है, इसलिए वो एक दूसरे में क्या हो जाता है, इसलिए वो एक दूसरे में क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। समाया, मिक्स हो जाता है। समाया, बोलते नहीं है कि अगर दो गधे हो, समाया, दो गधे हो तो वो बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। तो एक जैसे नेचर के लोग, एक जैसे नेचर के लोग याद रखना एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से मिल जाते हैं। समाया, कहीं लोगों की तो अपनी कहानियां बन रही होंगी। समाया भाई, तो आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, एलॉय फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, कहानियां नहीं बना रहे हैं। आगे देखो भाई, आगे देखो, याद रखना, याद रखना, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखो भाई, अगली प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास फील्ड और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। समय, जिस कारण ये लिगेंड से अटैच्ड होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। समय, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने इसका बहुत जिक्र किया हुआ है भाई, आगे भी बताऊंगा, ठीक हो गया? याद रखना, याद रखना, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, याद रखना उनका जो डी सबसेल है वो पार्शियली भरा होता है। समय, पार्शियली भरा होने का मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं भाई? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अरे भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो क्या करेगा वो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेल में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, वारों की तरह घूमता रहेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है टाइम के साथ, समाया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, समाया, अगर इलेक्ट्रॉन घूमता रहा तो याद रखना करंट जनरेट हो जाएगी। समाया, मैंने ये पढ़ा था कि I बराबर Q/T होता है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज करंट होता है। समाया, तो जिस जगह पे करंट जनरेट हो जाता है इसका मतलब वहां पे मैग्नेट क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है, जनरेट हो जाता है भाई। समाया, इट मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और याद रखना ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। क्या करते हैं?
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, समय प्रॉपर्टी। अरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, समय क्यों बनाते हैं बता दिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, चार्ज घूमेगा तो करंट जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अपना आप आ जाएगा भाई, ठीक हो गया। तो याद रखना जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और याद रखना उनके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं मोस्टली पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है भाई, समाया। तो ये बताया डी ब्लॉक एलिमेंट के करेक्टरिस्टिक, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं भाई बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। मैंने कहा आपसे जो Hg होता है उसको छोड़ करके सारे के सारे मेटेलिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इट मींस उनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है, याद रखना दे हैव हाई, उनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है, हाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इट्स आयन होता है, ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है, इट मींस अगर मेटल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके एम प्लस आयन बना देगा, समय इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर बोलते हैं इसको। इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है भाई, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कैसे स्टेट होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe दो ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, Fe+2 और Fe+3, ठीक हो गया भाई। याद रखना जो Fe है भाई, समय दो ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, +2 और +3, बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, सुन लो सुन लो गधो, सुन लो सुन लो, याद रखना Fe+2 जो होगा याद रखना उसको बोलते हैं अस, और इसको बोलते हैं इक, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके पीछे से आवाज आती है इक, और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको बोलते हैं अस, याद रखना इसको बोलते हैं फेरस, अस की आवाज आ गई, और इसको बोलते हैं फेरिक, समाया। अगर कॉपर होगा तो भाई, अगर कॉपर होगा तो देखो देखो, ये चीज कॉपर में भी बता देता हूं, कॉपर दो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, +1 और +2, क्या बोला था, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इक की आवाज, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अस की आवाज, समाया। तो इसको बोलते हैं क्यूपरिक, और इसको बोलते हैं क्यूपरस, अस की आवाज लो के लिए और हाई के लिए इक की आवाज। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, याद रखना भाई इसे, आगे देखो भाई याद रखना। इसके बाद ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है, और इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया। ये एलॉय फॉर्म करते हैं, क्यों एलॉय फॉर्म करते हैं भाई, लैंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन एक बला है, जिस बला के कारण क्या होता है इनका प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है, और प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाएंगी तो ये एक दूसरे में मिल जाएंगे, यानी कि एलॉय फॉर्म कर देंगे। एक एग्जाम्पल भी दिया है भाई आप लोगों को, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किससे मिलकर के बना होता है, SN और कॉपर से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक हो गया। इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ये कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, और कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है भाई। दीज ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, समाया। एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था, देखो भाई उसको भी यहीं पे खत्म कर लेते हैं। मैंने आपसे बोला था जिंक, कैडमियम और Hg जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, समाया। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी थी याद रखना लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, समय। इट मींस इनकी जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है भाई, समाया। क्यों होती है, क्योंकि इनका जो डी सबशेल होता है वो क्या होता है, कंप्लीट फील्ड होता है, कंप्लीट फील्ड होता है, समाया भाई। पहला ये कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं गिने जाते हैं। दूसरा मैंने बोला था जो Hg होता है वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, क्या होता है भाई, लिक्विड स्टेट में होता है। ये लिक्विड स्टेट में तो होता है, साथ साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है भाई, समाया। इसके जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक आध एग्जाम्पल दिखा देता हूं, HgCH3+2, समाया। एक ये दूसरा जो है वो है HgNH3+2, समय भाई। यहां पर Hg और लिगेंड जो बॉन्ड रहेगा, Hg और लिगेंड का जो बॉन्ड रहेगा, समाया, वो बॉन्ड क्या होगा, बहुत वीक होता है, बहुत वीक होता है भाई, समाया। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो कॉम्प्लेक्स बनता है में मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग बनता है भाई, काफी स्ट्रांग बनता है, ठीक हो गया। अगली जो बात बोली, याद रखना ये
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म नहीं करते हैं। समाया केवल ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है भाई, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स की तरह, ठीक हो गया। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ जो जिंक है, एचजी है और कैडमियम है, समाया डू नॉट कंसीडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक हो गया भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट। स्टार्टिंग में मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं बताया था, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था, ठीक हो गया। मुझे लास्ट में लगा कि इसे अच्छे से समझा देना चाहिए, ठीक हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बताया, देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए कि सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, कॉइन मेटल क्या होते हैं, कौन कौन से जो मेटल है वो हाइड्रोजनेशन के लिए यूज किए जाते हैं। आफ्टर दैट हम आए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, समय उसमें हमने बहुत प्यारी प्यारी चीजें पढ़ी भाई, ठीक हो गया। और लास्ट में मैंने एक बार और बताया कि जो जिंक, सी डी और एच जी है भाई, समय उसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कंसीडर नहीं किया जाता, कौन सी प्रॉपर्टीज है जो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की नहीं शो करता है, ठीक हो गया। इट मीन्स जो जिंक, सी डी और एच जी है वो डी ब्लॉक फैमिली में होते हुए भी डी ब्लॉक फैमिली के एलिमेंट्स नहीं है। इट मीन्स जो जिंक, सी डी और एच जी ट्रांजिशन एलिमेंट में होते हुए भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक हो गया। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।